अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एशियन कुजीन। आज मैं आपको चॉकलेट ओम्ब्री केक की रेसिपी दूंगी, जो दुनिया का सबसे मशहूर केक है, राइट। उसके अज्जा आप पहले नोट कर लीजिए। उसके लिए मैंने ये 2 कप मैदा लिया है, सिफ्टेड फ्लोर है ये, इसे मैंने छान लिया है, राइट। इसके अंदर जाएगा जनाब 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून जनाब इसमें जाएगा ये बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। इसको हम 1-2 मरतबा और छानेंगे, और छानने के बाद हम इसे एक साइड पर रख देंगे, राइट। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए जनाब 4 अंडे इसमें जाएंगे, ठीक है। 4 अंडे जाएंगे, 1/4 कप कोको पाउडर इसमें जाएगा, 3 टीस्पून कोको पाउडर अलग से इसमें जाएगा, अच्छा 1/2 कप इसमें ऑयल जाएगा, 1 कप इसमें मिल्क जाएगा हॉट मिल्क, और 1 कप इसमें शुगर जाएगी। देखिए अब हमें करना ये है कि एक हम जग लेंगे, ये मैंने मेजरिंग जग लिया है, इसमें मैं 1 कप चीनी डाल दूँगी और 1 कप ही हम इसमें हॉट मिल्क डाल देंगे, राइट। और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। देखिए अब हमने दूध और शुगर मिक्स कर दी है, अब हम इसे एक तरफ रख देंगे। गर्म दूध में शुगर जल्दी मिक्स हो जाती है, तो हम एक साइड पर रख देंगे। सबसे पहले आप ये प्रोसेस करेंगे, राइट। अब हम एक बोल लेंगे और उसके अंदर हम ये 3 अंडे डालेंगे, राइट। इनको हम खूब फेंटेंगे यहाँ तक कि ये पैल कलर बन जाए, बिल्कुल लाइट येलो कलर में आ जाए, राइट। ये हम इस पर डालेंगे और इनको खूब अच्छी तरह हम अपने बीटर से फेंटेंगे। देखें अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस के लेंगे, मेजरमेंट आप याद रखिएगा, ये हम इसमें डालेंगे। और जनाब इसके अलावा हम इसमें 1/2 कप ऑयल डालेंगे, राइट, ये हम इसमें डाल देंगे। और फिर हम इसे दोबारा बीट करेंगे, राइट। इसमें डाल देंगे और इसको हम दोबारा बीट करेंगे। देखें अब हमने ये अच्छी तरह हमने इसको बीट कर लिया है, राइट। अब हम इसके अंदर जो हमने ये दूध चीनी मिलाकर रखा था, इसे हम डाल देंगे, राइट। अच्छी तरह हम चीनी को मिक्स करेंगे पहले। अब ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे अच्छी तरह, और सारी शुगर वगैरह हम अच्छी तरह साफ कर देंगे, राइट। देखिए अब हम अपने वेट इंग्रेडिएंट को ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और इसको हैंड मिक्सर से हम मिक्स करते रहेंगे। देखें अब हम 1-1 कप बैटर जो है 2 जगह निकाल लेंगे, एक कप हम इसमें निकालेंगे और इसे हम डार्क चॉकलेट कलर में लाएंगे, राइट। और दूसरा कप जो है हम देखें पूरा लेवल हो, इसको हम इसमें निकालेंगे, राइट। निकाल के हम स्पैचुला से इसको साफ करेंगे। अपना आप बेकिंग पैन रेडी रखिएगा, पार्चमेंट पेपर लगा के, सही है, इस तरह।
देखिए जो हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक में हमने लिया था 1/4 कप कोको पाउडर, ये हम इसमें डाल देंगे। इसमें हमें डार्क चॉकलेट शेड चाहिए और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। अगर इन केस आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया है तो आप थोड़ा सा इसमें बैटर और मिक्स कर सकती हैं। ये डार्क कलर मिल गया हमें जनाब, इसको हम एक साइड पर रख देंगे। 3 टीस्पून कोको पाउडर राइट, ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम मिक्स करेंगे। ये लाइट कलर में हमें चाहिए राइट। ये भी हम एक साइड पर रखेंगे राइट। अब हम सारे निकाल एक तरफ रखेंगे अपने और अब इसकी लेयरिंग करेंगे राइट। देखें अब हमें करना ये है, सबसे पहली लेयर हम डार्क चॉकलेट वाले बैटर की लगाएंगे। तो मोल्ड के अंदर शिफ्ट कर देंगे। ये मैंने ग्लास मोल्ड लिया है, आप चाहें तो स्क्वायर मोल्ड भी ले सकती हैं, ये मैंने रेक्टेंगल लिया है राइट। ये हम इसको साफ करके लास्ट लेयर को बहुत एहतियात से लगाइएगा ठीक है। अच्छी तरह से हम चारों तरफ फैला देंगे। सेकेंड लेयर इसमें जाएगी जनाब, ये हमारी लाइट चॉकलेट है, इसको भी हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता ताकि आपस में मिक्स ना हो। ये भी हम इसमें लगा देंगे और अब हम स्पैचुला से इसको बराबर करेंगे और उसके बाद हम अपना प्लेन बैटर डालेंगे राइट। मक्खियाँ आई हैं, नहीं भाग रही हूँ कपड़ा। थोड़ा सा इसको हिलाएंगे। अब हम इसके ऊपर बाकी जो हमारा बैटर रह गया था वो हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, कोशिश करेंगे मिक्स ना हो, ये सब हम डाल देंगे। डाल देंगे हर तरफ पहुंचा देंगे। इसको हम थोड़ा से अब हम इसको थोड़ा सा टैप करेंगे और जो हमारा थोड़ा सा चॉकलेट का हमारा रह गया है बैटर थोड़ा सा डिजाइनिंग वगैरह कर देंगे क्योंकि हम इसे ज़ाया तो नहीं करेंगे। देखिए ये हमारा केक अब रेडी है, मैंने डीमोल्ड कर लिया है, मैं आपको इसे कट करके भी दिखाऊंगी। जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसको उसे इसका आइसक्रीम पेपर हटाइएगा राइट, सारे हटा देंगे। ठीक है अब मैं आपको इसे फ्लेवर में निकाल के दिखाऊंगी। ये हमारा ओम्ब्रे केक अब रेडी है, मैं आपको इसे कट करके इसके स्लाइसेस दिखाऊंगी। देखिए कितना शानदार बना है और कितना स्पंजी है, आप इसको चाय के साथ ट्राई करें, बहुत मज़े का लगता है राइट। अब मैं आपको इसे काट के दिखाती हूँ। क्या खूबसूरत इसकी शक्ल आई है, मैं आपको सारे स्लाइसेस करके दिखा दूंगी।
ओम्ब्रे केक अब रेडी है। ये इतना शानदार लग रहा है और क्या ज़बरदस्त इसकी शक्ल आई है। और इसकी ख़ासियत ये होती है कि ये नीचे से जो है ये चॉकलेटी होता है और ऊपर से जो है ये प्लेन होता है। ये देखिए इस तरह होता है, राइट, इस तरह होता है। अभी गर्म है, मैं इसको हाथ में नहीं ले सकती, मैं आपको प्लेटर में लगा के दिखाती हूँ, राइट। देखिए ये हमारा ओम्ब्री केक अब रेडी है। देखिए क्या ज़बरदस्त बना है और कितना शानदार इसका डिज़ाइन आया है। नीचे डार्क चॉकलेट है, उसके ऊपर लाइट चॉकलेट है और उस सबसे ऊपर जो है हमने प्लेन केक का बैटर डाला था, जिससे क्या खूबसूरत डिज़ाइनिंग हो गई है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसको देखें कितना सॉफ्ट है, किस कदर सॉफ्ट बना है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।